अस्सलाम वालेकुम, ये रही ज्वेलरी वाली शॉप जिसका मैंने आप लोगों का पिछले वीडियो में जिक्र किया था। ये बहुत ही रिजनेबल और बहुत ही कम कीमत में आप लोगों को यहाँ पर ज्वेलरी अवेलेबल है। तो आप शॉप के ओनर से ही देखिए कि कितनी कम कीमत में यहाँ पर अवेलेबल है सारी ज्वेलरी। इतनी खूबसूरत ज्वेलरी देखे तो मेरे होश ही उड़ गए, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी और सही में मुझे इसका जो प्राइस है ना वो बहुत ही कम लगा, बहुत ही कम लगा। पूरी मार्केट में हमसे कम में कोई नहीं बेच रहा, तो मुझे खुद को है वो ताज्जुब हो रहा है सच का। अब पूरी मार्केट में हमसे सस्ता कोई नहीं बेच रहा। तो सुना ना आपने, मुझे कुछ सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ कि इतनी प्यारे प्यारे कलेक्शन, इतनी प्यारी डिजाइन, इतने खूबसूरत नेकलेसेस जो इतनी कम कीमत में है और प्योर हैदराबादी डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये देखिए चौकस डिज़ाइन और इसकी कीमत आप खुद सुन लीजिए। चौकस के डिज़ाइन भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा कलेक्शन है। 600 बहुत अच्छा चौकस। आप हार की क्वालिटी देख सकते हैं कितनी प्यारी क्वालिटी है, बहुत ही बारीकी काम किया गया, एकदम बारीक डिज़ाइन है इसकी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और डिज़ाइन इसकी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, ये आप देख सकते हो कि इनकी अपनी मैन्युफैक्चरर है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बढ़िया कलेक्शन रखे हैं अपने पास और मैंने पूरी मार्केट में ऐसा कलेक्शन नहीं देखा। आपको इस शॉप पर वैरायटी के साथ में डिज़ाइंस भी बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी, जैसे पद्मावती, जोधा अकबर और जो भी डिज़ाइंस लेटेस्ट भी निकलती है वो सारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। आप ब्राइडल वगैरह के लिए भी लेना चाहते हैं, ब्राइडल के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी शॉपिंग हो सकती है, जैसे बैग्स है और ज्वेलरी है, आप बड़ी आसानी से इसे परचेस कर सकते हैं और एक ही छत के नीचे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये इनका कार्ड है, कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है शॉप का रेड वन करके और सामने स्माइल बेग स्कूल है, मोहम्मद इस्माइल बेग, जहाँ पर हम रोज़ा खोलते हैं रमज़ान में, जस्ट मैदान के सामने ही ये आपको शॉप नज़र आ जाएगी। तो आप बड़ी आसानी से इसे ढूंढ लेंगे शॉप को और इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन है, आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत है सारी डिज़ाइन, मुझे तो बहुत पसंद आई और इतना कम दाम आप यहाँ पर आके परचेस कीजिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर बैग्स भी है, एक्चुअली मैं यहाँ पर बैग ही ख़रीदने के लिए आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस शॉप को एक्सप्लोर किया जाए, इतना कम कीमत है और सारी मार्केट में घूमने के बावजूद आपको इतने कम दामों में चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप रफली यूज़ करने के लिए भी बैग को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मिल जाती है यहाँ पर, आप यहाँ पर 500 की रेंज से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको आगे लेके चलती हूँ तो ये आप डिज़ाइंस को देख सकते हो। ये कितने का है? ये कितने का है? 900 जितने भी ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं, सब कोई कोई कस्टमर आता है उसको चाहिए रहता है, टूज है, थ्रीज है, हमने 2, 3, 4, 5 सबसे आगे चले गए, हमने 10 zip bag बना दिए। देखो आप काउंट कर लो, आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोले देखो 10 zip bag इसमें कलर्स आपको जो चाहिए पूरी 12 कलर आते हैं। तो यहाँ पर आकर देख लीजिए, आपको भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन मिलेंगे और जैसा आप चाहते हैं वैसी आप लोगों को डिज़ाइंस, मटेरियल, क्वालिटी सब कुछ अच्छा मिलेगा, एवरीथिंग यहाँ पर बहुत सारी अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ें हैं। और यहाँ पर कॉस्मेटिक भी है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर कॉस्मेटिक को भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप नाखुदा मोहल्ला आते हैं, ईद की शॉपिंग करते हैं तो इस शॉप पर आप ज़रूर आइए, आपको सारे कलेक्शन एक ही जगह पर मिल जाएंगे और कमाल की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और हार वगैरह जैसे ज्वेलरी है, बैग्स है, कॉस्मेटिक है, ईयरिंग्स है, आप अलग से भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए एक बार वापस से नज़र डाल लेते हैं और इसकी रेंज को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने आप लोगों को इसकी रेंज बताने की कोशिश की है। तो ऊपर वाली जो रेंज है वो 1550 की है, सेकेंड लाइन जो है वो है 1450 की और थर्ड लाइन जो है वो 1350 की है और नीचे भी है इसी तरह के, जो भी आप लोगों को पसंद आते हैं आप बार्गेनिंग करके परचेस कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस है, बहुत ही क्वालिटी भी अच्छी है, आप दुल्हन के लिए परचेस कर या फिर किसी ओकेशनल टाइम के लिए आप यहाँ से परचेस करें,
ईद का मौका है तो आप ईद के मौके पर ज़रूर आइए और इतने कम कीमत में चीज़ों को खरीद कर खूब फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर आपको अमेरिकन डायमंड यानी एडी में भी कलेक्शन मिल जाएगा, वो भी डिज़ाइंस हैं इनके पास, लेकिन अभी ईद का मौका है इसलिए अभी वो एडी में नहीं रखे हैं। ईद के बाद आपको एडी में बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर आइएगा और एक बार इस शॉप पर विज़िट कीजिएगा। चलिए अब हम इस शॉप से बाहर निकलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं दूसरी कुछ और चीज़ें। तो आपको ये कलेक्शन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैं तो इस शॉप पर आती रहती हूँ क्योंकि ये मेरी बहुत ही पुरानी शॉप है, मीन्स मैं यहाँ पर आके परचेस करती रहती हूँ और मैं ज़्यादातर यहाँ पर बैग खरीदती हूँ और ईयरिंग्स लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइंस मुझे मिल जाती हैं। ज़्यादा मुझे मतलब यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारी चीज़ें मुझे इकट्ठे मिल जाती है। तो चलिए अब हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं दूसरी शॉप। तो आपको ये कलेक्शन जो है वो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप आएंगे तो शॉप पर एक बार ज़रूर आइएगा। चलिए बाहर निकलते हैं। अब हम शॉप से बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं सैंडल यानी फुटवेयर की भी आप लोगों को जो शॉप है वो एक्सप्लोर करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जस्ट बाहर जब आएंगे शॉप के बाहर और जस्ट उसके अपोजिट पे जहाँ पर हम रोज़ा खोलते हैं उसके पीछे वाले हिस्से का ये पार्ट है जहाँ पर सारी आपको फुटवेयर दिखाई देंगी। बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन है यहाँ पर भी, शूज़ हैं, चप्पल हैं, सैंडल्स हैं, जैसी मतलब औरतों को चाहिए डिज़ाइंस वैसी ही आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डायमंड में आप लोगों को मुजड़ी, सैंडल्स, चप्पल वगैरह मिल जाएंगी। बच्चों में आजकल पपेट बहुत ज़्यादा फेमस है तो पपेट के बैग्स भी यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा यहाँ पर आकर। तो पपेट के जो बैग्स है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने भी अपनी बेबी के लिए पपेट का जो पर्स है वो परचेस किया है। और ये देखिए ये घड़ी, ये भी आप लोगों को मिल जाएगी 200 और 150 की रेंज में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर बैग्स है जो कि आपको 100 से स्टार्टिंग है। और चलिए आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। ये देखिए ये शूज़ वगैरह है बच्चों के, बड़ों के, आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें नाखुदा मोहल्ला में बड़ी आसानी से स्ट्रीट मार्केट पर मिल जाएंगी क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ें अवेलेबल है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। बहुत ही पुराना मार्केट है, हम अपनी मम्मी के साथ में बचपन में आया करते थे, तब से लेकर अभी तक आज हमारे बच्चे हमारे साथ में आते हैं। तो ये मुंबई का बहुत ही पुराना नाखुदा मोहल्ला मार्केट है और भिंडी बाज़ार ये सब आसपास ही हैं, मीनारा मस्जिद ये सब आसपास है। थोड़ी दूर पर और चलकर हम जाएंगे तो मनीष मार्केट भी हमें नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से हम बच्चों के कपड़े परचेस करते हैं और इसके आगे ही वो शॉप है जहाँ से हम बुर्के को परचेस करते हैं यानी हमारा अबाया जो हम पहनते हैं ना, ये देखिए ये हम यहीं से परचेस करते हैं। ये अलहया के नाम से यहाँ पर शॉप है, ये बड़ा सा शोरूम है जहाँ पर आपको पूरा दुबई का कलेक्शन मिलेगा। यहाँ पर दुबई के अबाया बहुत ही फेमस है, यहाँ पर सारे कलेक्शन आपको बाहर के मिलेंगे, बाहर गाँव के। यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन दुबई की मिल जाएगी। तो हम अपना बुर्का यहीं से परचेस करते हैं, तो आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अभी मैं अंदर जाके पूरा वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं एकदम थक चुकी हूँ और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम लोग घर से दोपहर के टाइम पर निकले थे और अब रात हो चुकी है और यहाँ पर अदन भी एकदम थक चुका है। अदन जो कि मेरे बेटे का नाम है तो वो भी मेरे साथ में है और मेरी हेल्प कर रहा है वीडियो बनाने में। और थकान भी काफ़ी हो चुकी है रोज़ा खोलने के बाद, तो वैसे ही दिल नहीं करता कुछ करने का। और हमने अभी तक चाय भी नहीं पी है, सबसे बड़ी बात कि हमने अभी चाय नहीं पी है। तो अब हम चाय पीने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और सारी चीज़ों को आपके सामने रख भी रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सारे कलेक्शन को, यहाँ बैंगल्स है जो कि 120 से स्टार्टिंग है। मैं आप लोगों को रेट भी मेंशन करती रहूँगी बीच बीच में। तो यहाँ पर आप कलेक्शन देख सकते हैं और
चलिए यहाँ पर आपको साड़ी की शॉप भी मिल जाएगी। साड़ी बहुत ही अच्छी और रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर अवेलेबल है। 500 से स्टार्ट है, जिसमें आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। और ऊपर जो साड़ी की जो आपको लाइन दिख रही है वो 1500 की है। रेशमी साड़ी आपको मिल जाएगी, बनारसी साड़ी मिल जाएगी, सिल्क की मिल जाएगी, जैसी आपकी पसंद हो आपको वैसी साड़ी यहाँ पर मिल जाएगी। और हाँ, जो दाम मैंने आप लोगों को बताया है, चीज़ों की प्राइस मेंशन की है, बिल्कुल वही है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ना ही मैंने आप लोगों को मिसलीड किया है, क्योंकि जो दुकान वाले हमें दाम बताते हैं वही दाम हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आप यहाँ पर आने के बाद ये नहीं कह सकते कि आपने वीडियो में कुछ और बताया था और हम जब परचेस करने गए तो दाम कुछ और था। देखिए, जो दाम उन लोगों ने हमें बताया वही दाम हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो यहाँ का जो प्राइस है वो एक्चुअल में बहुत ही कम है। तो आप यहाँ पर आके अपनी शॉपिंग को बहुत ही अच्छा बना सकते हो और अपना पैसा भी बचा सकते हो। यहाँ की स्ट्रीट मार्केट बहुत ही सस्ती है, तो ये स्ट्रीट मार्केट का आप फ़ायदा उठाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते भी हैं, वो भी दूर दूर से शॉपिंग करने के लिए, ईद की ब्राइडल शॉपिंग या फिर कोई भी ओकेशनल शॉपिंग हो वो यहाँ से करते हैं। तो आप भी आइए और अपनी ईद को ख़ास बनाइए इन सारी चीज़ों को परचेस करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। 5 साल से 10 साल के बच्चों तक के टॉप आपको 350 में मिल जाएंगे। ये देखिए, ये बड़ों के टॉप है, यानी कि एक्सेल, डबल एक्सेल, मीडियम, लार्ज, आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। और ये है 750 का, 1200 का, यानी कि जैसा रेंज वैसा कपड़ा, वैसा मटेरियल और वैसी क्वालिटी आप लोगों को मिलेगी। जो कलेक्शन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये 1200 की है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसमें से मैंने परचेस भी किया है और हाँ, यहाँ पर फिक्स रेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं चाय वाली गली में, तो आगे बढ़ेंगे तो हमें चाय की शॉप नज़र आ जाएगी। आप ही आइए हमारे साथ में चाय पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और चाय पीकर ये थकान उड़नछी हो जाएगी। तो अदन भी काफ़ी थक चुका है, इसे भी थोड़ा एनर्जी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट है भाई, वही चीज़ रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं शॉप पर, काफ़ी गर्दी है यहाँ पर, हमें खड़ा रहना होगा जब तक कि बेंचेस खाली नहीं हो जाते, क्योंकि सारी जो कुर्सियाँ हैं वो इंगेज है। यहाँ पर आप देख सकते हो हम वेट कर रहे हैं कि कुछ लोग उठे तो हम बैठें चाय पीने के लिए। अदन बेचारा काफ़ी थक चुका था तो इसलिए वो वहीं पर बैठ गया। ये देखिए ये कैसा बैठा बेचारा, मुँह देख रहा है कि बस कोई उठे और मैं जल्दी से बैठ जाऊँ। हंसना चलिए देखिए, ये आप देख सकते हैं हमें जगह मिल चुकी है और अदन अब ठंडा पी रहा है ताकि थोड़ा सा कूल हो जाए। तो और ये हमारे लिए चाय आ गई, ये देखिए ये चाय, ओ माय गॉड, आप चाय देख सकते हैं। घर की चाय नहीं है, क्या करें, थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, लेकिन चाय यहाँ की बहुत ही अच्छी होती है। चाय की जो कीमत है वो 15 रुपीज़ है और बहुत ही कम कीमत है, लेकिन चाय बहुत ही बढ़िया होती है। भले ही इसकी जो क्या कहते हैं कप, वो साफ ना हो, तो घर की चाय होती है। चलिए थकान तो मिट ही गई,
और सामने आप मीनारा मस्जिद देख सकते हैं। अब हम रोड क्रॉस करेंगे और मीनारा मस्जिद की तरफ जाएंगे ताकि कुछ खा पी ले और पेट पूजा कर ले, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी से लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।